वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपकी अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस टू में। उन विद्यार्थियों के लिए एक काफ़ी अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है जो 2021 में 10th क्लास का या 12th क्लास का पेपर देने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आप लोगों का एग्जाम का डेट जो है वो आ चुका है। इस वीडियो के माध्यम से हम पूरा कवर करेंगे कि 2021 में 12th का जो एग्ज़ाम होगा वो किस प्रकार से होगा, मतलब उनका शेड्यूल कैसा होगा। इसमें हम लोग आर्ट्स का भी डिस्कशन करेंगे, कॉमर्स का भी करेंगे और साइंस का भी करेंगे। इसके साथ साथ 2021 में जो 10th क्लास का पेपर होने वाला है वो कब से होने वाला है, ये पूरा हम लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। और ये वीडियो हमारा दो पार्ट में आएगा, एक पार्ट में 10th क्लास को लेकर हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे, इसके बाद वाले में हम लोग 12th क्लास वाला डिस्कशन कर लेंगे। तो अगर वन लाइन में हम आपको बताना चाहेंगे तो देखिए, अगर 10th क्लास के एग्ज़ाम की बात करेंगे, पहले 12th की बात कर लेते हैं, तो 12th का एग्ज़ाम जो है आपका 2 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है इस बार, और टोटल आपका एग्ज़ाम जो चलेगा वो 13 फरवरी 2021 तक चलेगा, यानी कि 2 फरवरी से लेकर 13 फरवरी के बीच में आपका एग्ज़ाम समाप्त हो जाएगा 12th क्लास का। वहीं पे अगर 10th क्लास का बात किया जाए तो 10th क्लास का आपका जो एग्ज़ाम स्टार्ट होगा वो 17 फरवरी से और 24 फरवरी तक आपका एग्ज़ाम चलेगा 2021 में, ठीक है। तो ये दोनों लोगों के लिए है। अब हम आपको पूरा शेड्यूल दिखा देते हैं किन क्लास वालों बच्चों के लिए जो 10th क्लास के हैं, ठीक है ना, जो 10th क्लास के हैं। आप देखिए, अगर इस चैनल के साथ नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, स्टडी प्लस टू हमारा चैनल का नाम है। आप कभी भूल भी जाइएगा नाम तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा स्टडी प्लस टू, आपका ये आ जाएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको 10th क्लास का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे वो सारे गेसिंग क्वेश्चन आपको दिया जाएगा बिहार बोर्ड वाला, और 12th क्लास का भी आपको बिहार बोर्ड से संबंधित जो भी गेसिंग क्वेश्चन होंगे वे सारे इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कवर करेंगे आने वाले सभी वीडियो के माध्यम से, ठीक है ना। तो अब हम आपको 10th क्लास का दिखा देते हैं शेड्यूल की 10th क्लास का पेपर जो है वो कब कब होने वाला है, किस डेट को कौन सा पेपर होने वाला है। सबसे पहले देखिए, 17 फरवरी से आपका जो है पेपर स्टार्ट है, आपको पता होगा, अभी थोड़ा देर पहले आपको बताए थे। तो 17 फरवरी 2021 बुधवार, फिर 18, 19, 20, 21 को यहाँ पे गैप है, ठीक है, इसके बाद 22 को होगा, फिर 23 को होगा, फिर 24 को होगा, ये आपका एग्जाम का शेड्यूल यहाँ पे है। आपका एग्जाम देखिए दो पाली में होगा, प्रथम पाली और द्वितीय पाली में। तो प्रथम पाली में जो होगा वो 9:30 बजे से लेकर 12:15 तक होगा, और जो सेकेंड शिफ्ट में होगा वो आपको 1:45 यानी 2:45 से लेकर 4:30 तक आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो जो 17 फरवरी को आपका पहला पेपर फर्स्ट सिटिंग में है वो साइंस का है, और सेकेंड सिटिंग में भी साइंस का ही है, ठीक है ना। और अगर हम लोग 18 को देखेंगे, 18 फरवरी को, तो आपका गणित का पेपर है, मैथ का है। 19 को आपका सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस वाला है। 20 को आपका अंग्रेजी है, जो हम लोग सामान्य अंग्रेजी की बात करते हैं वो अंग्रेजी होगा। 22 तारीख को आपका जिनका हिंदी होगा उनका हिंदी, उर्दू या बंगला या मैथिली, जो भी आप सब्जेक्ट चूज किए होंगे। और 23 तारीख को मंगलवार को आपका द्वितीय भारतीय भाषा होगा, ठीक है ना, द्वितीय भारतीय भाषा होगा। वहीं पे 24 तारीख को जो भी ऐच्छिक सब्जेक्ट लिए हुए होंगे, ठीक है ना, जैसे एडवांस मैथ या इकोनॉमिक्स या तो वाणिज्य या संस्कृत या मैथिली या फारसी या अरबी, उनके लिए होगा। तो ये टोटल जो है आपका दो शिफ्ट में जो है पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और अगर आप चाहें तो इसका हम आपको जो है वो पीडीएफ आपको भेज देंगे, ठीक है ना। आप अपने व्हाट्सएप का मुझे जो है वो नंबर ये कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, या तो हम आपको एक व्हाट्सएप का नंबर देंगे, उस माध्यम से आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाइएगा, वहाँ पर आपको सारा इसका जानकारी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल पर ये सारी जानकारी हम आपको देंगे, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगला वीडियो जो हम आपके लिए लेकर आएंगे वो 12th क्लास वाला लेकर आएंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा माय डियर।